किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एकदम अलग ही तरीके से दम आलू, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये सब्जी कभी भी हम बना सकते हैं, इससे हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ बन रहा है। तो इसके लिए हमें चाहिए बॉयल आलू। यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया है, आप अपने खाने के हिसाब से उबाल लीजिए जितने आपको बनाने हो। यहाँ पर मैंने 2 प्याज की पेस्ट कर ली है और इसमें मैं ये अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये मैंने 2 टमाटरों का प्यूरे कर लिया है। ये मैंने घर की रखी हुई क्रीम, जो दूध दूध में रहती है वो वाली क्रीम है, इसको मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं। ये पिसी हुई मिर्च है, ये सेसमी सीड्स यानी तिल और जीरे मैंने ले लिए हैं, ये भी 1-1 टेबल स्पून है। ये मैंने गरम मसाला ले लिया है। ये नमक है, ये हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले लिया है और 1-1 टेबल स्पून मैंने अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर भी ले लिया है। और मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है अपने दम आलू बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दम आलू बनाना। इसके लिए मैं एक बाउल ले लेती हूँ। ये आलूओं को मैं अपने एक बाउल में डाल ले रही हूँ। ये हम दम आलू एक अलग ही प्रकार से बनाते हैं। आलू दम तो वैसे भी लोग कई कच्चे आलू को तल के बनाते हैं, कई इसी तरह आलूओं को अंदर से उबाल के और फिर सीधे बना लेते हैं। मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ। मैं ये आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इन आलूओं में मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप 2 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। और नहीं बनाना हो तो आप ऐसे ही इसमें मसाले डाल के बना सकते हैं बिना कुछ डाले। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना हमको। और हल्का सा मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया हल्दी भी डाल रही हूँ। हम इसमें खड़े मसाले कोई नहीं डालेंगे, केवल हम इसमें पिसे मसाले डालेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसाले वाले हो जाएंगे तो फिर ये अच्छे भी नहीं लगेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे जैसे कि आलू बनते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं अपने सारे गोलियों को बना लूंगी। यहाँ पर मैंने अपने सारे गोलियां बना ली हैं। अब मैं इनको सैलो फ्राई करूंगी, मैंने को इनको डीप फ्राई नहीं करना है। देखिए मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं और मैंने अपनी गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ। कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म ना होने दें। कढ़ाई हल्के गर्म होने पर अब मैं इसके अंदर अपने ये बॉल्स डाल दूँगी। ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और जब ये इसमें गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो ये देखने में बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर हम आलू को फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। आप इस तरह से बना के देखिए, दम आलू की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम इसे चम्मच से भी चलाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। ये देखिए हमारे कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जब हल्का पक जाए तो हम इसे किसी भी चमचे से चला सकते हैं। वैसे तो ये हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इन्हें अपनी प्लेट पर निकाल लूँगी। मैंने इन्हें अपनी प्लेट पर निकाल लिया है। अब मैं अपनी सब्जी बनाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसी पैन पे जो हमारा तेल था उसमें मैंने जीरा डाल लिया है। हमारा जीरा अच्छा, देखिए कितनी अच्छी तरह से तड़क रहा है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर दें। उसके बाद हम इसमें अपने ये पेस्ट डाल देंगे, लहसुन अदरक वाली मिर्ची वाली। इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हमने इसमें प्याज का भी पेस्ट डाल दिया है, इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से पीसने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मैंने इसमें अपनी रखी हुई हल्दी भी डाल दी है, लाल मिर्च भी डाल दिया है।
हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हम अभी इसमें अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, केवल धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये देखिए कि अच्छी तरह से चल गया है, अच्छी तरह से पक रहा है। जब किनारे से तेल छोड़ दे, देखिए ये किनारे से तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें टमाटो का प्यूरे डालेंगे अपना, जो हमने पीसा हुआ टमाटर रखा था, ये भी हमने अच्छी तरह डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। मैंने इसमें कोई भी खड़े मसाले का उपयोग नहीं किया है, ना मैंने चाली पत्ती डाली, ना मैंने इसमें कोई भी मसाले। अब ये हम क्रीम डाल रहे हैं। आप ऐसे भी बना के देखिए, ये बहुत अच्छी बनती है। बिना खड़े मसालों के भी कोई सब्जी बहुत अच्छी बन सकती है। इसमें हम दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं डाला, दही की जगह हमने क्रीम डाल दिया है। आप दही भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, लेकिन ध्यान दे के, क्योंकि हमने अपने बॉल्स में भी डाले हैं। हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से आप डालिए कि आपको ग्रेवी कितनी पतली या कितनी गाढ़ी चाहिए है। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं। हम इसको अच्छी तरह बॉईल होने देंगे ढक के। ये देखिए हमारे ग्रेवी में कितनी अच्छे उबाल आ रही है। अच्छी तरह पक जाने के बाद हम इसमें ये अपना अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। और हम ये अपना गरम मसाला भी अब डाल देंगे इसमें। इसे भी अच्छी तरह मिला के पकाएंगे। ये पकने के बाद हम इसमें अपनी बॉल्स डाल देंगे। और फिर हम इसको हल्की फ्लेम में ढक कर के पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद देखते हैं हमारी सब्जी अच्छी तरह से बन गई है। ये हल्की हल्की आंच में पक रहे थे, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसे अपनी धनिया पत्ती के साथ सजा देंगे, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा हल्का सा तड़का और चला लेंगे, इसमें धनिया मिल जाए अच्छी तरह से। अपनी सब्जी को मैंने अपनी प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हम इसको धनिया पत्ती से और सजा लेते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इसके कमेंट मुझे दीजिए और ज़रूर बताइए कि यह कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं क्या अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकती हूँ मुझे ज़रूर बताइए। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा क्रीम और लगा के इसको और डेकोरेट कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी लगती है। प्लीज़ इसे खाइए, बनाइए और इन्जॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।